मैडम गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मैम। मॉर्निंग मैम मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हो गई मैम, आप लेट हो गई आज। हाँ आज लेट हो गई मैम, 6 मिनट लेट हो, 6 मिनट। जो गए ग्रामेड। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ दुर्वे शर्मा, गुड मॉर्निंग। इसी के साथ में अपन क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। कल की क्लास में आपका टॉपिक था हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। आज उसी स्पेक्ट्रम की अपन व्याख्या करने जा रहे हैं। तो देखो आपका अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या समीकरण की व्युत्पत्ति। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या समीकरण व्युत्पन्न करना, तरंग संख्या समीकरण व्युत्पन्न करना। मैंने आपको कुछ परिभाषाएं करवाई थी, उस परिभाषा में तरंग संख्या की परिभाषा भी बताई थी कि तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को ही तरंग संख्या कहा जाता है। ठीक है, नहीं नहीं मैं नोट्स भेज दूंगी, नोट नहीं करना है, इसके नोट्स आएंगे आपके पास में। तो देखो बच्चों, आपने बोर की कक्षा में त्रिज्या की गणना भी की थी, ऊर्जा की गणना भी की थी और वेग की गणना भी की थी। तो अपन तरंग संख्या समीकरण की व्युत्पत्ति करते समय सबसे पहले ऊर्जा लेंगे। तो हाइड्रोजन की किसी भी कक्षा के लिए, हाइड्रोजन की किसी भी कक्षा के लिए ऊर्जा की गणना, किसी कक्षा के लिए ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है, और आप सबके पास वो सूत्र भी किया हुआ है जो आपने ऊर्जा में किया था। ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 बटा n² h²। देखो बच्चों, यहाँ पे जेड स्क्वायर भी था, लेकिन अपन हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अतः जेड को लिखो तो भी सही है और नहीं लिखो तो भी सही है। तो E बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 बटा n² h² यहाँ पे जेड स्क्वायर भी है, लेकिन अपन हाइड्रोजन की किसी कक्षा के लिए कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण अपन जेड को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास ऊर्जा का सूत्र है जो निल्स बोर की कक्षा में आपने ऊर्जा की गणना की थी और ऊर्जा नेगेटिव आई थी। कुल ऊर्जा बराबर आपने किया था स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का आपने किया था माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, और गतिज ऊर्जा का किया था 1/2 mv². अब देखो, माना कल आपने दो ऊर्जा स्तर किए थे, एक तो निम्न ऊर्जा स्तर किया था और दूसरा उच्च ऊर्जा स्तर किया था। निम्न n1 लिया था और उच्च क्या लिया था? n2। तो माना निम्न ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर क्या है? n1। माना निम्न ऊर्जा स्तर n1 की ऊर्जा E1 है तथा
उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न के बाद में कौन सा लोगे? उच्च, उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर क्या है? N2। N2 की ऊर्जा E2 है। निम्न ऊर्जा स्तर N1 की तो E1 ले ली, और उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा N2 की क्या ले ली? E2। अतः इस सूत्र से देखो बच्चों, E1 बराबर -2π² ME4 बटा N1² और H² ये तो E1 बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दोगे और इसको समीकरण नंबर 2। अब E2 बराबर करोगे तो E2 बराबर -2π² ME4 बटा N2² H² इसको समीकरण नंबर 3 दे दोगे। आपने निल्स बोर की तीसरी अवधारणा पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उत्सर्जन होता है, और उच्च से निम्न में आता है तो अवशोषण होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिनको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचते हैं, उच्च से कहां जा रहे हैं? निम्न में। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचता है तो देखो, ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बराबर E2 - E1। E2 तो उच्च ऊर्जा स्तर है और E1 कौन सा है? निम्न ऊर्जा स्तर। अब देखो, E2 का मान आपके पास ये रहा, E1 का ये रहा, तो डेल्टा ई बराबर E2 बराबर तो आप क्या लिख दोगे? -2π² ME4 बटा N1² N2² H² ठीक है बच्चों। अब देखो, -E1 का मान भी -2π² ME4 बटा N1² H² ये आपने E2 और E1 के मान लिख दिए। अब देखो बच्चों, -2π² ME4 बटा N2² H² माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, तो यहाँ पे क्या लगा दूं? +2π² ME4 बटा N1² H² ये तो माइनस का है और ये किसका है? प्लस का। तो देखो, -2π² ME4 बटा H² और इन दोनों को कॉमन ले लो, 1/N1² माइनस 1/N2² ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो, आपने निल्स बोर की तीसरी अवधारणा में नोट पढ़ा था कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। वहां पे आपने डेल्टा ई बराबर किया था एच न्यू,
क्या किया था? एच न्यू, जिसको आपने कल परसों मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत भी कहा था। मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत मैंने बताया था, कृष्णिका विकिरणों का उत्सर्जन विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिनको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फोटोन की ऊर्जा आपने की थी डेल्टा ई बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर आपने किया सी अपॉन लेमदा, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लेमदा। अब देखो इसको समीकरण नंबर चार दे दोगे, समीकरण चार में डेल्टा ई का मान रखोगे, तो यहाँ पे देखो समीकरण चार में डेल्टा ई का मान रखने पर, डेल्टा ई का मान रखने पर, तो देखो बच्चों समीकरण चार है डेल्टा ई बराबर 2π² ME4 बटा एच स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2², तो डेल्टा ई की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एच सी अपॉन लेमदा बराबर 2π² ME4 बटा एच स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2². अब देखो इसे समीकरण नंबर 5 देते हैं, समीकरण नंबर 5 में दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी दोनों पक्षों में सी एच का भाग देने पर, सी एच का भाग देने पर, सी एच का मतलब है प्लैंक नियतांक और प्रकाश के वेग का, क्या दोगे? भाग दोगे, तो भाग दोगे बोलो एच सी अपॉन लेमदा है, सी एच का भाग दोगे तो सी एच से सी एच कैंसिल हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमदा और किसका भाग दे रहे हो? सी एच का, बराबर 2π² ME4 बटा सी एच गुणा एच स्क्वायर और 1/N1² माइनस 1/N2². अब देखो बच्चों सी से सी कैंसिल, एच से एच, तो 1 लेमदा बराबर 2π² ME4 बटा सी एच क्यूब 1/N1² माइनस 1/N2² इसको समीकरण नंबर 6 देते हैं। अब देखो आपने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती है जिसको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वहां पे आपने 5 परिभाषा पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी तरंग दैर्ध्य, दूसरी तरंग संख्या, तीसरी आपने पढ़ी थी सेकंड, चौथी आपने पढ़ी थी आयाम, पांचवी आपने पढ़ी थी प्रकाश का वेग। तो वहां पे आपके पास तरंग संख्या आया था और तरंग संख्या की परिभाषा आई थी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को ही तरंग संख्या कहा जाता है और तरंग संख्या को आपने न्यू भार से दर्शाया था और न्यू भार बराबर आपने किया था 1/λ, यानी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है? तरंग संख्या कहा जाता है। तो 1/λ की जगह मैं तरंग संख्या न्यू भार लिख देती हूँ, तो न्यू भार बराबर 2π² ME4 बटा CH³ 1/N1² माइनस 1 बटा
एन टू का स्क्वायर। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आप कौन सा समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हो? तरंग संख्या। ये तरंग संख्या का क्या व्युत्पन्न हो गया? समीकरण व्युत्पन्न हो गया। अब देखो बच्चों, एक नियतांक होता है रीडबर्ग नियतांक, 2 पाई स्क्वायर ME4 बटा CH³ बराबर होता है RH, जिसको रीडबर्ग नियतांक कहा जाता है या रीडबर्ग स्थिरांक कहा जाता है। तो इसकी जगह मैं RH लिख देती हूँ। तो न्यू भार बराबर RH 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर, और यह सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों लगाया है? क्योंकि तरंग संख्या की इकाई मीटर इनवर्स भी होती है, सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है, तो मैंने क्या लगा दिया? सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो बच्चों, इस आर एच का मान होता है, रीडबर्ग नियतांक का मान होता है 109,677, यानी 109,677, और 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर आएगा। तो आप समीकरण में व्युत्पन्न करोगे न्यू भार बराबर 109,677 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। यही तरंग संख्या समीकरण की व्युत्पत्ति है। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या समीकरण व्युत्पन्न करना। हाइड्रोजन की किसी भी कक्षा के लिए ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाती है, E = -2π² ME4 Z² भी होता है। जो आपने निल्स बोर में ऊर्जा की गणना में ये सूत्र किस तरह निकलता है वो पूरा पढ़ लिया है। जेड स्क्वायर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 बटा N² H² समीकरण नंबर 1। माना निम्न ऊर्जा स्तर N1 की ऊर्जा E1 है, उच्च ऊर्जा स्तर N2 की ऊर्जा E2 है। तो E1 बराबर -2π² ME4 बटा N1² H² समीकरण नंबर 2। E2 बराबर -2π² ME4 बटा N2² H² समीकरण नंबर 3। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचता है या संक्रमण करता है तो ऊर्जा में परिवर्तन ΔE = E2 - E1, जहां ΔE ऊर्जा में परिवर्तन है, E2 उच्च ऊर्जा स्तर है, E1 निम्न ऊर्जा स्तर है। तो ΔE = E2 का मान आपके पास है -2π² ME4 N2² H² और ये भी माइनस का है, 2π² ME4 N1² H² ΔE = -2π² ME4 N2² H² माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, तो 2π² ME4 N1² H² ΔE = 2π² ME4 H² इसको मैं इधर ले आई, 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर। ऊर्जा में परिवर्तन ΔE = h ν होता है, ν =
सी अपॉन लेमडा होता है, तो डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा। समीकरण चार में डेल्टा ई का मान रखोगे तो एच सी अपॉन लेमडा बराबर 2 पाई स्क्वायर एम ई फोर बटा एच स्क्वायर 1 बटा एन वन स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में दोनों पक्षों में सी एच का भाग देने पर एच सी अपॉन लेमडा में किसका भाग दे दिया, सी एच का, 2 पाई स्क्वायर एम ई फोर बटा एच स्क्वायर में किसका भाग दे दिया, सी एच का, 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर। सी से सी कैंसिल, एच से एच, 1 अपॉन लेमडा बराबर 2 पाई स्क्वायर एम ई फोर सी एच क्यूब 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर। न्यू भार बराबर होता है 1 अपॉन लेमडा। न्यू भार तरंग संख्या को कहा जाता है, तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम कहलाती है, तो न्यू भार बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन लेमडा। न्यू 1 अपॉन लेमडा की जगह आपने क्या रख दिया, न्यू भार बराबर 2 पाई स्क्वायर एम ई फोर बटा सी एच क्यूब 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर। न्यू भार बराबर 2 पाई स्क्वायर एम ई फोर सी एच क्यूब बराबर क्या होता है, आर एच, जिसको क्या कहा जाता है, रीडबर्ग नियतांक। अतः न्यू भार बराबर मैंने इसकी जगह आर एच लिख दिया और 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर, और तरंग संख्या की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। इस रीडबर्ग नियतांक का, जैसे प्लांक नियतांक, प्रकाश का वेग, अवोगाद्रो संख्या, इनका मान फिक्स होता है, उसी प्रकार रीडबर्ग नियतांक का मान भी फिक्स है, 109,677 यानी 109,677। तो न्यू भार बराबर आर एच की जगह ये लिख दोगे, 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या समीकरण की व्युत्पत्ति। सभी बच्चों को क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो गया तरंग संख्या समीकरण? बाकी के बच्चे भी बोलो फटाफट। तू न्यू है, तुझे पहले के नोट्स भेज दूं, ऐप पे सब नोट्स मिलेंगे तुझे, वहां से ले लेना, ठीक है? टीना, टीना है, तन्नु है, ऐप पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे, तू वहां से कर लेना। और बच्चे फटाफट बोलो, सबको क्लियर हो गए क्या तरंग संख्या समीकरण? चलो बच्चों, छोटा सा टॉपिक और है इसी का, और इसी के साथ में अपना लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, कल अपन दूसरा लेसन पढ़ेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा लेसन, छोटा सा टॉपिक है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचता है या कूदता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है। तो देखो, इस चीज को आप नोट में नोट करोगे, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या,
स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या बच्चों n n-1 बटा 2 होती है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या n n-1/2 होती है जहां n का मतलब है उच्च कक्षा की संख्या। उच्च का मतलब है जैसे एक कक्षा तो आपके पास पांचवी है और दूसरी तीसरी है तो उच्च कौन सी होगी पांचवी होगी और निम्न कौन सी होगी तीसरी होगी तो यहाँ n का मान आपको उच्च कक्षा की संख्या लिखना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है किसी हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन उतारोगे सभी बच्चे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है। किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की क्या ज्ञात करनी है कुल संख्या ज्ञात करनी है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ वेरी गुड 6 अभी जिसका आंसर आया था सोनम यादव बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या बराबर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या बराबर होता है n n-1/2 जहां n उच्च कक्षा की संख्या है तो n बराबर 4 हो जाएगा तो 4 4-1/2 बराबर 4 × 3/2 12/2 कितनी स्पेक्ट्रमी रेखा आ गई 6। ठीक है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या n n-1/2 होती है जहां n उच्च कक्षा की संख्या है। क्वेश्चन है किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या का सूत्र होता है n n-1/2 यहाँ पे चौथी और प्रथम कक्षा है तो उच्च कौन सी हुई चौथी तो n की जगह क्या रख दोगे 4 तो 4 4-1/2 तो 4 × 3/2 12/2 कितनी आ गई 6। इसी के साथ में आपका लेसन भी कंप्लीट। कल अपन अगला लेसन पढ़ेंगे तो ये टॉपिक नोट सबको क्लियर हुआ सभी बच्चों को क्लियर। आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ठीक है बच्चों कल अपन दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। अदर आपके 2 लेसन हो गए हैं फर्स्ट और सेकंड यानी
रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा और परमाणु की संरचना। ठीक है, क्या शिवानी क्या लिखी है? तलस्थ अवस्था क्या होती है? ऊपर की अवस्था। तलस्थ अवस्था ऊपर की अवस्था, जैसे 1s से आपने इलेक्ट्रॉन स्टार्ट बनना स्टार्ट किए थे तो चार्ट में ऊपर ही ऊपर से स्टार्ट किए थे। ओके शिवानी, ऊपर की अवस्था को ही तलस्थ अवस्था कहा जाता है। परमाणु की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। यही ओकबाऊ नियम था। तुम वैसे ही दिमाग लगा लो, ऊर्जा का बढ़ता क्रम कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1s से। क्लियर? चलो ठीक है, इसी के साथ में आपका लेसन भी स्टार्ट कंप्लीट और क्लास भी एंडिंग होने जा रही है। कल अपन अदर लेसन पढ़ेंगे।